हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं ये शूट जो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ गोप्रो से, क्योंकि मेरे फ़ोन की हो गई है दिक्कत, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है यार। फ़ोन में ये ना चार्ज नहीं हो रहा है। मैंने ट्राई किया, अभी भी नहीं चार्ज हो रहा है। इसके ना पिन में कह रहे हैं, पिन में बोल रहे हैं अभी भी ना पानी है इसके चार्जिंग स्लॉट में। तो भाई पानी में घुसे थे ना हम जेट स्की वाले दिन, तो पानी घुस गया, तो इसलिए मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ। तो एक और न्यूज़ देनी थी आपको, मेरे को जाना पड़ेगा कल इंडिया, अपने घर एक ज़रूरी काम आ गया है तो मेरे को निकलना पड़ेगा। वैसे तो हफ्ते बाद जाना था मैंने, फिर वो मैंने टिकट कैंसिल करवा के कल की करवाई है। तो कल निकलूँगा मैं यहाँ से चंडीगढ़ अपने घर के लिए। तो उसके बाद देखो आना बनता है नहीं कैसे भी, क्योंकि यार अभी तो दुबई में मज़ा आना स्टार्ट हुआ था, जैसे आपने देखा एकदम से ही कुछ ना कुछ हो जाता है प्लान। तो कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो आ जाएंगे दोबारा, नहीं तो अब चंडीगढ़ में ब्लॉग देखना मेरे। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, तो कुछ दिन पहले हमारे साथ क्या हुआ था, यहाँ पे ना सायरन बजने लग जाते हैं अगर थोड़ा सा भी धुआं आ जाए ना किचन में या कहीं भी, उनको ऐसा लगता है आग लग गई, तो ये वाले सायरन बजने लग जाते हैं। तो हमने जुगाड़ किया, इंडियन जुगाड़, टेप पे लगा दी सारी जगह, लपेट दी। अब जितना मर्जी धुआं हो, क्योंकि कुकर से धुआं होता है, इसको चला देते हैं चिमनी को, तो भाई जाता नहीं है, समझ रहे ना? नहीं तो टों टों एकदम, तो भाई बुरा ही हाल हो गया था, सारे सारे भागने लग गए थे अपने बच्चों के लेके। तो चलो आज एक दो काम करने हैं वो करके निकलते हैं। वैसे तो यार हफ्ते भर का प्लान था मेरे पास, एक दो चीज़ें हमने करनी थी। मेरा दिल था स्काई टाइप, तो मेरे को करनी ही करनी थी। मैं सोच रहा था कि मैं दुबई में नहीं करूँगा, कहीं और करूँगा, क्योंकि आपको दुबई का व्यू तो मिल चुका, कहीं और करूँगा। तो यार चलो अब नहीं हो सकता तो क्या करें। सब कुछ करके देख लिया अभी, सो नहीं रहा मैं, डेली दिखा नहीं पाता क्या क्या खाते हैं। बहुत बढ़िया, और हाथ से खाता हूँ मैं तो देसी तरीके से। राजमा थोड़ा जल गया, बढ़िया है कि है। है अचार, अचार भी खाते हैं अपना, बढ़िया साथ में, गुड। तो बस अब घर से निकल रहे हैं, खाना वगैरह हो गया, खाना खा लिया, बस अब निकलते हैं घर से। आज फोन से चार्जिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि पता ही आपको क्या हो रखा है फोन को, लेकिन पोर्टेबल से मैंने चार्ज कर लिया तो इसलिए थोड़ा सा 30% हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज गोप्रो से चलने दो शूटिंग, ठीक है? तो चलो एक जगह गए थे अभी हम जाके घूम के, फिर घर पे आके खाना खा के निकल रहे हैं। बाय बाय घर, क्योंकि कल तो यार ने चल जाना है इंडिया, फिर देखते हैं कब आएंगे, लेकिन आना जरूर है यार। तो देख लो अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे द आउटलेट विलेज में, बहुत ही बड़ा बना हुआ है यार ये। यहाँ पे मैं अभी आया हूँ क्योंकि यहाँ की प्लानिंग थी, तो यहाँ पे आए हैं। भाई देखो क्या होता है यहाँ पे भी, अब कल की फ्लाइट है मेरी, क्या घूमूँ यार दुबई में। जब प्लान बने हैं सारे के सारे घूमने के, जब इंटरेस्ट आया दुबई में, तब इंडिया में इंपॉर्टेंट काम आ गया। तो कोई बात नहीं, जितना मैं देख सकता हूँ आपको दिखा दूंगा, एक्सप्लोर करना मेरे साथ। बाकी कभी अब नेक्स्ट जब आता हूँ दुबई तब देखना। और यहाँ पे जो रोड थी ना भाई, 100 तो मिनिमम थी स्पीड, 120 के ऊपर ही जा रही थी गाड़ियाँ। ये सारा मॉल बना हुआ है इटालियन आर्किटेक्चर की डिज़ाइनिंग पे, देखो बहुत ही बेस्ट है। अंदर आते तो ऐसा लगा कि भाई जैसे ना पुराना पुराना सा है कुछ, पुराना पुराना, जैसे ये टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, सारा कुछ पुराना पुराना है। लेकिन भाई मॉल में आके जब देखा, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, जब अंदर आके देखा ना एक से एक ब्रांड, वही बात जो नहीं सुने हुए वो भी ब्रांड है। और यहाँ पे तो छिल देड़ दिंदे हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड है। बढ़िया यार, बहुत अच्छा है यहाँ पे बना। मुझे ऐसे 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 मॉल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब कि इटली पसंद आएगा मुझे अगर मैं कभी इटली जाऊँगा तो। ये मॉल ना एक विलेज टाइप मॉल बना हुआ है, लेकिन भाई बहुत ही ज़बरदस्त मॉल बना हुआ है, देख रहे हो पीछे आगे पीछे। मुझे एक बस बाहर से ही ना एक कपड़े थोड़े सही से लगे, मैंने कहा वेयर करके देखता हूँ कैसा लगता है, ये मेरे शूज़ के साथ ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनके पास साइज़ नहीं है मेरा, लेकिन बड़ा साइज़ भी अच्छा लग रहा है, देखते हैं ट्राई करके कैसा लगेगा। यार पसंद तो आ गया था, मेरा साइज़ नहीं है इनके पास। ये स्टोर था जिसमें घुसा था मैं, और ये देखो यार व्यू देख रहे हो, बिल्कुल एक गाँव वाला व्यू है, लेकिन यार ब्रांड एक से एक बड़ा है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, मैं दोबारा आऊँगा ज़रूर दुबई में, तो इधर जरूर विजिट करूंगा मैं, मुझे बहुत पसंद आया ये। टेलर की शॉप है यहाँ पे, कितनी प्यारी प्यारी है, मैं देख के अंदर घुस गया था। छोटी छोटी सी मशीनें पड़ी हुई हैं, बहुत प्यारी सी हैं, अच्छी लग रही हैं। ये है द आउटलेट विलेज, वो देखो A to Z ब्रांड है यहाँ पे,
सारे के सारे। लेकिन हम फिर कभी आएंगे, क्योंकि अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, 8 बज गए हैं, सुबह की फ़्लाइट है मेरी 10 बजे की। मुझे पता है मैं एडिट करूँगा और सुबह उठने में बहुत लेट हो जाऊँगा, पता नहीं मैं कितने घंटे सो पाऊँगा या फ्लाइट में सो जाऊँगा, अब पता नहीं। अभी यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट जब दुबई आऊँगा तो यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, जल्दी बजेगा गेड़ा, क्योंकि यार बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अधूरी छोड़ी हुई हैं मैंने, मैं गया ही नहीं हूँ उन पर। तो चलो चलते हैं अभी यहाँ से। बाहर से कुछ ऐसा लुक है इसका, रोड भी यार क्या प्यारे बना रखे हैं, मॉल नहीं है ये तो, पैलेस लग रहा है कहीं का कि पैलेस होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। चलो हम चलते हैं गाड़ी में, फिर निकलते हैं घर पे, कुछ खाते हैं। आज यहाँ पे कुछ नहीं खाया क्योंकि ना घर पे बने हैं राजमा चावल, तो हमें रखे थे, मैंने कहा रात को भी वही खाऊंगा, तो थोड़े से हल्का फुल्का खा के एडिटिंग करने बैठूंगा, फिर सुबह की फ्लाइट है भाई, सुबह का भी व्लॉग बनाऊंगा भाई। अंदर तो अंदर, यहाँ पे बाहर भी बहुत अच्छा बना हुआ है यार ये तो, और यहाँ पे पार्किंग की जगह मैं कह रहा हूँ बहुत ही बड़ी जगह है। हम रात को आए हैं इसलिए यार कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन जितना भी मेरे को दिख रहा है ना अभी तक यार बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ना। और लग्जरी गाड़ियाँ यार यहाँ पे हर किसी के पास है, और आपको पता है यहाँ पे गाड़ियों की इतनी कीमत नहीं है जितनी नंबर की वैल्यू है, जितना छोटा नंबर ना उतनी ज़्यादा वैल्यू है इंसान की यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ हर कोई अफोर्ड कर लेता है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छे प्राइस पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन नंबर अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ पे। सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ये ज़्यादा महंगे आते हैं, तो गाड़ियों की कीमत कम है, नंबर की ज़्यादा है यहाँ पे। हम पहुँच गए थे होटल के नीचे, तो मैंने कहा आज एक बार जब, क्योंकि कल इंडिया चले जाना तो इधर का दूध पिया जाए, तो भाई अमूल का दूध उठा लिया, ये वाला बहुत टेस्टी है, ये वाला दूध मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा दूध लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आज पी लूँगा, आधा आधा सुबह पी लूँगा क्योंकि जल्दी उठना है। तो भाई घर पर आ गया हूँ, चेंज वगैरह कर लिया मैंने, बस अब बैठूँगा एडिटिंग करने के लिए। और गुड न्यूज़ ये है, मेरा फ़ोन ठीक हो गया है, मैंने चार्जिंग पे लगाया, चार्ज हो रहा है। एक्चुअली मैंने ना वाटर इजेक्ट की एक ऐप होती है, वो भी मैंने वाटर इजेक्ट कल काफ़ी बार कर दिया था, आज भी मैंने कर दिया था, तो मैंने दोबारा उसमें जो ड्रायर था वो भी मैंने मारा है, फिर भी नहीं हुआ कुछ, फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा चल 4-5 घंटे रहने दो तभी करते हैं, रात को आके लगाया तो बढ़िया चल पड़ा है। तो ठीक है यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है मैं बोलूँगा भी नहीं, मर्जी है जो मर्जी करना। तो कल निकलते हैं इंडिया, इंडिया में देखते हैं यार जाके, यहाँ से तो मेरे को लग रहा है, मैंने फ़ोन किया था घर पर तो ठंड हो रही है वहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो वहाँ पर ठंड के नज़ारे लेते हैं। चलो बाय बाय, हरे कृष्णा।